आज के दौर में जब ग्लोबल बैंक और ई बैंकिंग की बात हो रही है, लेकिन हर हाईटेक दौर में यूपी के संभल जिले का डाक महकमा आज भी अंग्रेजों के बनाए नियम पर चल रहा है। संभल के डाक महकमे में जमा होने वाला जनता का कैश और महत्वपूर्ण अभिलेख FDR, पोस्टल ऑर्डर, स्टैंप टिकट आदि किसी बैंक या डाकघर में नहीं रखे जाते, बल्कि जिले के कोतवाली और थानों में रखी संदूक नुमा तिजोरी में जमा किए जाते हैं। डाकघर का कर्मचारी रोजाना शाम को इस कैश को, कीमती कागजातों को बोरी में बंद कर कोतवाली के संदूक बैंक में जमा कराते हैं और अगले दिन फिर सुबह इस कैश को निकाल कर डाकघर लाया जाता है। सुबह को कैश निकालने और शाम को कोतवाली में रखे संदूक में कैश जमा करने का नियम अंग्रेजों के जमाने से डाक विभाग में आज भी चल रहा है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जनता के खून पसीने की कमाई को जिस लापरवाही से साइकिल पर रखकर कोतवाली के संदूक बैंक में जमा कराने ले जाया जाता है, अगर रास्ते में कैश छीनने या लूटे जाने की कोई घटना हो जाती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? हमारा जो निशान सीमा के अंदर जो कैश होता है वो उससे ऊपर होता है, उसको हम बैंक देते हैं। अगर उससे कम होता है तो हम बैंक से निकालते हैं। अच्छा, हम शाम को हमारे लिए बिक्री आता है बहुत पहले से कि जो भी हमारे पास जो आर्टिकल्स हैं, जैसे NSC वगैरह हैं, जो इस तरह की स्टाम्प वगैरह, वो हम शाम को अपना सिक्योरिटी बैंक स्कूल हैं वो कोतवाली कस्टडी होते हैं। ये परम्परा ये बहुत समय से है और उसी का अनुपालन है।